यूपी अल्टीग्रेट टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजीटी बेसिक मैथ्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वीडियो नंबर 37 में एक लास्ट क्वेश्चन अनकम्प्लीट रह गया था, तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये था माइनस आई की पावर माइनस आई इक्वल टू ई की पावर 4 एन माइनस का 1π/2। तो आई की पावर माइनस आई को मैं लिख सकते हैं ई की पावर लॉग माइनस आई की पावर माइनस आई बाहर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम होता है। तो ई की पावर माइनस आई लॉग माइनस आई, इसको लिख सकते हैं कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करेंगे 2n π i प्लस स्मॉल लॉग माइनस आई, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके बना 2n π आई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का आई लॉग माइनस आई। ई की पावर माइनस का 2n π आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है एंड माइनस का आई लॉग माइनस आई। लॉग माइनस आई की जो वैल्यूज होता है ई के टर्म में लिख देते हैं, जैसे आई लिखा था ई की पावर π/2, आई था ई की पावर π/2, ई की पावर π/2 यानी कि कोस π/2 प्लस का आई साइन π/2। इसी प्रकार माइनस आई लेना है तो माइनस आई होना चाहिए ई की पावर माइनस का π/2 यानी कि कोस π/2 माइनस का आई साइन π/2 होगा, ठीक है। साइन π/2 1 होता है, तो ई की पावर यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर 2n π माइनस आई एंड लॉग माइनस आई को लिखेंगे ई की पावर माइनस का π/2। लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत इसमें नहीं था। तो यहाँ पहुँचा ई की पावर 2n π माइनस का आई लॉग ए की पावर माइनस का π/2, ये हो जाएगा ई की पावर 2n π माइनस आई इंटू माइनस का π/2 एंड लॉगी। लॉगी की क्वांटिटीज तो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पोर्शन हो जाएगा ई की पावर 2n π प्लस आई स्क्वायर इंटू π/2 लॉग ई। लॉगी की वैल्यूज होता है 1, ठीक है। तो ई की पावर 2n π माइनस π/2 इंटू 1, तो ई की पावर 2n π माइनस का π/2। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आया तो 4n π माइनस का π हुआ, तो यह हो जाएगा e की पावर 4n माइनस का 1π/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार आ चुका है ये e की पावर 4n माइनस का 1π/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन है द रियल पार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसका यानी कि रियल पार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई की पावर लॉग 1 प्लस आई इज, यह होता है ई की पावर माइनस का π²/8 इंटू कॉस π/4 लॉग 2, ठीक है। ये क्वांटिटीज हमको इसमें प्रूव करके लानी है, तो सॉल्यूशन इसका लेते हैं। सॉल्यूशन होगा आई की पावर लॉग 1 प्लस आई मिलेंगे ई की पावर, इसको लिख सकते हैं लॉग ई की पावर लॉग 1 प्लस आई इंटू लॉग आई। आई की पावर लॉग 1 प्लस आई को लॉग 1 प्लस आई को लिख सकते हैं ई की पावर लॉग 1 प्लस आई इंटू लॉग आई। आई की पावर लॉग इतने को देखो लिखा कैसे है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यह ई की पावर यहाँ पे लॉग एंड आई की पावर लॉग 1 प्लस आई, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ई से लॉग अगर कैंसिल होता है तो ये जो पोर्शन है लॉग एम की पावर एंड एन लॉग एम यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा, तो यहाँ ई की पावर हो जाएगा लॉग 1 प्लस आई इंटू लॉग आई, इस तरह से था, वो थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया था। अब इसको जो है चेंज करना है थोड़ा सा, लॉग 1 प्लस आई का फॉर्मूला लेना है एंड लॉग आई जो होता है लॉग आई ई की पावर होता है π/2। लॉग आई को लेना है और इसको लेना है। देखिएगा इसका जो फॉर्मूला हुआ करता है लॉग एक्स प्लस का iy इक्वल टू होता है लॉग अंडर रूट x² प्लस का y² प्लस का i tan इनवर्स π/x। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, लॉग एक्स प्लस का iy, लॉग एक्स प्लस का iy इक्वल टू होता है लॉग अंडर रूट x² प्लस y² प्लस i tan इनवर्स π/x।
तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वो इस वाले पोर्शन में भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, दोनों पोर्शन में फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें भी अप्लाई कर दो एंड इस वाले में भी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई किया है e की पावर हो गया, तो e की पावर log 1 प्लस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स की जगह 1 है, वाई की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का आई, टेन इनवर्स 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा पाई बाई 4, आई टेन इनवर्स 1 यानी कि आई पाई बाई 4, ठीक है। ये पोर्शन एक हो चुका है, एंड लोग आई को जो लिखा है, लोग आई को लिख सकते हैं आई पाई बाई 2, लोग आई इक्वल टू होता है आई पाई बाई 2। ये होता है आई पाई बाई 2, लोग आई इक्वल टू आई पाई बाई 2। और लोग आई को आई पाई बाई 2 जो लिखा है वो थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है, तो हम उसको भी दे दें, नहीं तो फिर से कमेंट कोई होगा। जैसे हमारे पास था लोग एक्स आई, लोग आई को हम लिख सकते हैं लोग 0 प्लस आई इंटू 1, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का आई, टेन इन बाई वाई अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन 0, यानी कि लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होगा और आई टेन इनवर्स इनफाइनट, टेन इनवर्स इनफाइनट हो जाएगा पाई बाई 2। तो आंसर आया लॉग आई इक्वल टू आई पाई बाई 2, लोग आई इक्वल टू क्या हो गया आई पाई बाई 2। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिया था, तो चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे हो चुका है, यहाँ हो गया ई की पावर लोग ये अंडर रूट 2 हो गया प्लस का आई, टेन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4 होता है, एंड आई चल रहा आई पाई बाई 2 चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया आई पाई बाई 2। अब आई पाई बाई 2 से इसमें अंदर मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, कुछ पोर्सन इमेजरी टर्म रह जाएगा, कुछ रियल टर्म्स रह जाएगा। जो इमेजनरी टर्म्स होगा उसको देखते हैं कैसे करना है, रियल एंड इमेजरी पार्ट बनेगा। लोग रूट 2 है, रूट 2 को 2 की पावर 1 बाई 2 लिख देते हैं प्लस का आई पाई बाई 4, एंड यहाँ पे था आई पाई बाई 2, इसको लिखेंगे 1 बाई 2 लॉग 2, 1 बाई 2 लॉग 2 एंड आई पाई बाई 4 इंटू आई पाई बाई 2, ठीक है। आई पाई बाई 2 इसका मल्टीप्लाइंग करते हैं, मल्टीप्लाइंग करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 1 बाई 2 लॉग 2 इंटू आई पाई बाई 2 एंड आई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, आई स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होता है, तो e की पावर यहाँ पे हो गया पाई अपॉन 4 आई, आई पाई अपॉन 4 लॉग 2, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 लिखेंगे, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर अपॉन 8 आंसर में बन रहा है, उसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। वहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है आई पाई बाई 2 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉग 2 था प्लस का आई पाई बाई 2, आई पाई बाई 2 की यहाँ मल्टीप्लाइंग हुआ, इसका इसमें हुआ, ये पाई बाई 4 है, ओके ये मिस्टेक हो गया था, ये पाई बाई 4 है भाई, पकड़ आ गई बात, नहीं तो गलती हो जाता। इसका यहाँ 8 हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है, बाकी तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, माइन ये था e की पावर i पाई बाई 4 लॉग 2 इंटू इंटू e की पावर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8, ये रियल पार्ट्स हो गया। इसको आगे ले आएंगे इमेजरी पार्ट में, यानी e की पावर i थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा e की पावर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू e की पावर i पाई बाई 4 लॉग 2, e की पावर i थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, देन e की पावर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 4 लॉग 2 कोस थीटा प्लस i साइन थीटा i साइन पाई बाई 4 लॉग 2, ठीक, ये इसका आंसर आना था।